पाचपावली पुलिस थाना अंतर्गत शुक्रवार को एक 18 वर्षीय नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद उसके मित्रों ने मृतक को मारने वालों के घर पर पथराव किया। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पाचपावली पुलिस थाना अंतर्गत 18 वर्षीय नाबालिग कपिल बेन की प्रेम प्रकरण के चलते हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद अपने मित्र की हत्या की गई इस बात का रोष मन मिली। मृतक कपिल बेन के मित्रों ने मृतक को मारने वालों के घर पर जाकर पथराव किया और काली गलौज की। इस संबंध में सहायक पुलिस निरीक्षक सकाराम मोले ने अधिक जानकारी साझा की। पूरा मामला ऐसा है, तारीख 28/5/2021 रात 9:30 बजे के दरमियान एक कपिल श्रीकांत बेन रानार मोतीबाग, यह लड़का जो है ना, इसको सारे आम्रपाल सारे अविनाश सारे इन लोगों ने मारा है, जिसमें उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो जो मरने वाला है उसके दोस्तों ने छः से आठ दोस्तों ने जिन्होंने मारा है उनका घर पे जाके ईंट और पत्थर से उनके घर पे फेंक के उनके घर की तोड़फोड़ की है और घर वालों की मारपीट किया है और उसकी गाली गलौज करके उनको धमकाया है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पूजा विवेक सहारे इनके रिपोर्ट पे पुलिस स्टेशन पाचपावली यहाँ पर अपराध क्रमांक 337 2021 कलम 323 और राइड का गुना दर्ज है। उसमें 5 आरोपी राजू संजू बोहेर, रोहित उर्फ कालू शोभीलाल मस्करे, शेख अकरम शेख अख्तर, तालिब खान मोहम्मद खान, गोलू शंकर गौरे, ये 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। पुलिस ने इस मामले में राजू भोयर, रोहित मस्करी, शेख अकरम शेख अनवर, तालिम खान मोहम्मद खान और गोलू शंकर गोरे को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।